हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह 10 बजे मैं लखनऊ में आ गई हूँ फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं एक हफ्ते से 27 तारीख से ही बाहर थी और आज आई हूँ, तो मैं वहाँ से वीडियो को अपलोड ही कर रही थी और आप लोग को सभी चीज़ शेयर ही कर रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आते ही फ्रेंड्स मैंने देखा कि प्लांट्स सूखे हुए थे, तो सबसे पहले मैंने पानी डाला प्लांट्स को और सूखी पत्तियों को निकाला और फिर प्लांट्स की कटिंग भी किया फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि ये गुड़हल की कटिंग हमने कर दिया है, ये देखिए, क्योंकि इस पर थोड़े थोड़े कीड़े भी लगे हुए थे और इसकी जो प्लांट थी काफ़ी वो हेल्दी भी नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने कटिंग कर दिया। और उधर देखिए मैक्सिकन पिटोनिया की भी कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। और इस तरीके के ग्रो बैग में देखिए, ये टर्टल वाइन नहीं है फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से कुछ नाम है फ्रेंड्स, भूल रही हूँ, अभी याद आते ही बताऊँगी। और पर्पल हार्ट को ढेर सारा कट करके मैंने इधर पानी में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और इधर के भी प्लांट्स सब सही ही हैं फ्रेंड्स। और इधर मैंने ये देखिए डबल पेटल चंपा की कटिंग भी लगा दिया है, और ये कटिंग ही है फ्रेंड्स, देखिए कितना हेल्दी और कितनी शाइनिंग है पत्तियों में, आप देख सकते हैं। तो और गमला मंगा के फ्रेंड्स शिफ्ट कर दूंगी। और एक ये देखिए डबल चांदनी का, और ये भी देखिए कितनी पत्तियों में शाइनिंग है और कितना हेल्दी है प्लांट है फ्रेंड्स। और इधर फाइकस का है, और ये देखिए कटिंग किया है तो यहाँ पर गिरा हुआ है। और इधर देखिए फ्रेंड्स मलबरी की कटिंग कर दिया है, काफ़ी बड़ा हो गया था। और सारे प्लांट्स की कटिंग करके अब फिर मैंने कटिंग को लगा दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे गुड़हल की कटिंग करने के बाद मैंने इस तरीके से लगा दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और सभी में लगा हुआ है फ्रेंड्स। और इधर देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये प्लांट मेरा कैना लिली का, कितनी पत्तियों में इसके वेरिएशन है। तो ये देखिए एक से अब ये दो निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई प्लांट इसका बना सकते हैं, डिवाइड कर करके ये निकलता ही रहता है, बेबी प्लांट्स अपना निकालता ही रहता है फ्रेंड्स। और इधर देखिए लालसा की भी कटिंग करके लगाया, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और इधर देखिए सभी पर्पल हार्ट कितने अच्छे से चल रहे हैं। और जिस दिन मैं आई थी फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट जो है लैंटाना का बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये कितना हरा भरा, और इसमें अब बर्ड्स भी आ गए हैं फ्रेंड्स, और नहीं तो इस तरीके से सुबह सुबह ब्रांच हो गया था फ्रेंड्स। और ये रेड वाला 9 o'clock है, तो एक से कई बना लूँगी फ्रेंड्स। और इधर देखिए कोलियस की कटिंग को कट करके, और देखिए इधर इतना सारा तैयार किया है फ्रेंड्स। और सभी देखिए लग गए हैं, क्योंकि मैंने इसका वीडियो भी डाला था, लगा के ही मैं गई थी। और देखिए टब में मैंने नीचे पानी डाल दिया है ताकि कटिंग्स को नीचे से पानी मिलता रहे। और अब मैं इसे पिंचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। और ये सब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने हैंग कर दिया है, और एक वहाँ पे भी रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं थोड़ा सा जो मैंने पानी में लगाया है उसका अपडेट आपको देती हूँ। तो देखिए मैंने कोलियस को पानी में लगाया था फ्रेंड्स, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये रूट आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से रूट आए हुए हैं, ये देखिए मैं लगा के ही पानी में डाल के चली गई थी। तो और इधर लालसा को भी पानी में डाला था, तो इसका देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें अभी उतना नहीं आया हुआ है। और एक ये कोलियस है, तो इसका देखते हैं, ये देखिए इसका इस तरीके से इतना रूट इसमें भी आ गया है फ्रेंड्स। तो पानी में भी हम कोलियस को या किसी भी फ्रेंड्स किसी भी प्लांट को हम पानी में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ सोलन से, वो सोलन या शायद कसौली के होटल से मैंने वो कटिंग को लिया था,
अभी मैं दिखाऊंगी, और उसे मैं पेपर में लपेट के लेके आ गई हूँ यहाँ लखनऊ में, और वो काफ़ी अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स, तो उसे मैं लगा दूंगी उसकी कटिंग को। और वो जेरेनियम का कटिंग है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से हम कटिंग को कहीं भी जाते हैं तो लेके आते हैं और लगा देते हैं, और हमारे पास फिर प्लांट्स हो जाता है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स कितना नींबू का प्लांट जमा हुआ है, आप देख सकते हैं सीड को मैंने डाला था और जमा हुआ है। और ये वाइट रेन लिली है फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास जौनपुर में नहीं है, तो मैं जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें कटिंग्स को लगाना है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स लग रहे हैं। और इन्हीं सब में से कोलियस में से मैंने कटिंग लिया था, और ये फिर से बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस समय कटिंग को आप लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, आज 2 अक्टूबर हो गया, तो आप देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ही थे, थोड़े से सूखे हुए थे तो मैंने आते ही पानी डाल दिया और कटिंग कर दिया, तो सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से फिर हो गए। तो ये मेरा मिनी गार्डन है, आप देख सकते हैं, और वहाँ का भी गार्डन जो मेरे वहाँ जौनपुर का है, वो भी मैंने आपको मैं दिखाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो अब वहाँ जाने पे ही पता चलेगा, 1-2 दिन में मैं जाऊँगी वहाँ। तो फिर ये प्लांट दूसरे के भरोसे ही रहेगा, भगवान भरोसे ही सब चलते रहते हैं, बारिश हो जाती है तो मिल जाता है इन लोग को भोजन पानी, तो ठीक रहते हैं, नहीं तो फिर सूख ही जाते हैं फ्रेंड्स, कई प्लांट्स तो ख़राब ही हो जाते हैं आने के बाद। तो ये लेंटाना और ये देखिए, ये अपराजिता को देखिए, ये इतना लग गया, तो ये ख़राबी हो गया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से नहीं रहने पर प्लांट्स तो ख़राब हो ही जाते हैं, और इसको आप ज़रूर लगा लीजिए कहीं से मिले तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो मैं कई इस तरीके ढेर सारा लगा दूंगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और मैं जहाँ भी जाती थी फ्रेंड्स, वहाँ का आपको वीडियो अपलोड करती थी और दिखाती थी, और प्लांट्स का भी डालती थी, जो भी रहता था मैं आपसे शेयर ज़रूर करती थी फ्रेंड्स। तो इधर भी मैंने आप लोग का वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं रेगुलर देखूंगी, आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा कि मैं आपका वीडियो नहीं देख रही थी, तो ज़रूर देखूंगी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, और ये कटिंग जो है फ्रेंड्स लग गया है, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये मिनी गार्डन, आप ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप भी गार्डनिंग करें फ्री की, और वो प्लांट्स को मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, कि 3-4 दिन से मैंने होटल में लेके पानी में रखा था, और आते समय मैंने उसे पेपर में रैप करके फिर मैं उसे लेके आ गई हूँ यहाँ लखनऊ, और वो सुरक्षित आ गया है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।